नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे खबरों का। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार अभियान चलाकर जनता तक चार योजनाओं का लाभ पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसके तहत महिला कल्याण विभाग 3 महीने में 6 विशेष कैंप लगाने जा रहा है, जिसके चलते अक्टूबर में 2 और नवम्बर या दिसंबर में 2 विशेष कैंप लगाए जाएंगे। अभियान के तहत सभी जिलों में पहले कैंप का आयोजन 12 अक्टूबर को और दूसरे कैंप का आयोजन 16 अक्टूबर को किया जाना निश्चित किया गया है। इसी की तरह 12 और 15 नवंबर और 8 और 22 दिसंबर को भी कैंप लगाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार अधिक से अधिक लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि इन कैंपों में आवेदन भरने से लेकर खाते में पैसे ट्रांसफर कराने तक के पूरे काम करवाए जाएंगे। मुख्य तौर पर इन कैंपों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से वांछित लोगों तक मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कैंप के दौरान DOP और अन्य वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रह सकते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार एक और बड़ा दांव चलने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले राज्य सरकार ये विशेष अभियान कई स्तर पर चलाने जा रही है। जनता तक चार योजनाओं का लाभ पहुंचाने की पुरजोर कोशिश योगी सरकार की रहेगी। जहां एक ओर सरकार खेलो इंडिया के तहत खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है, तो वहीं अमेठी के एकमात्र स्टेडियम में इन समस्या से लगातार लोग जूझ रहे हैं। अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी अमेठी का ये स्टेडियम आज खिलाड़ियों की कमी के कारण सूना पड़ता जा रहा है। बता दें कि कोरोना काल के दौरान जिले में लगने वाली सब्जी मंडी को प्रशासन द्वारा स्टेडियम में स्थानांतरित कर दिया गया था, पर अब कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद और कोरोना गाइडलाइंस में ढील देने के बाद भी मंडी को वहीं लगाया जा रहा है। वहीं मंडी लगने से स्टेडियम के मैदान परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्टेडियम के मैदान में पानी भरा हुआ है। सड़ी हुई सब्जियों की गंध से वहां के लोगों को खासा समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। मामले में जब क्रीड़ा अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हो गई है, लेकिन मंडी लगने से समस्या का स्थायी निदान नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने बताया कि मामले में कई बार हमने जिला अधिकारी को लिखित शिकायत भेजी है, पर अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमेठी का एकमात्र स्टेडियम जो पूरी तरह से गंदगी का अंबार बना हुआ है। फिलहाल स्टेडियम के अंदर सब्जी मंडी लग रही है, जिसकी वजह से खेल स्पर्धा को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्या नाम है आपका? राजीव तिवारी। क्या खेल खेलते हैं आप? कबड्डी खेलता हूँ मैं। यहाँ पे क्या समस्याएं हो रही हैं खेल को लेके? हमको खेल की समस्या यही हो रही है, बस केवल ये कोरोना के कारण हमारे यहाँ सब्जी मंडी लगने लगी है। जब पूरी तरह से कोरोना बंद होने के बावजूद भी अभी सब्जी मंडी हटी नहीं है। हम लोगों ने कई बार अपील किया DM ऑफिस जाकर, कहीं कई जगह आकर जाकर अपील किया, लेकिन ये हट नहीं रही है। हमारे कोच भी गए, हम लोगों को भी गए, लेकिन यहाँ कोई रिप्लाई नहीं आया। तो कैसे खेल होता है आप लोग, तैयारी कैसे होती है? कबड्डी खेलते हैं और हॉकी वगैरह खेलते हैं। तैयारी कैसे होती है? रेस भी करते हैं। यहाँ दौड़ करने में सारा सुविधा होती है। यहाँ सब्जी मंडी लग जाती है, इसके कारण यहाँ बदबू भी आती है। कद्दू उद्दू फेंक देते हैं और सारी सब्जियाँ फेंक देते हैं, फेंक कर चले जाते हैं। सर यहाँ पर यही क्या नाम है, ये लोग मंडी वंडी खोल के रखते हैं और साथ में ये लोग ना मंडी खोल के रखते हैं। यहाँ पर कूड़ा दान सब कुछ, सब्जी जो भी इन लोग के पास कुछ बचा रहता है सब यहीं फेंक देते हैं, जिससे ये लोग गाय भैंस खा सके और यहाँ पर और बीमारी फैल जाती है हम लोग के लिए। और हम लोग का क्या नाम है, हम लोग इतनी सोचते कि अब साफ हो अब साफ हो, पर कभी साफ ही नहीं होता। हम लोगों ने लेटर भी लिख कर दिया है फिर भी। अधिकारी और अपने जो कोच हैं उनसे आपने कुछ कहा? हाँ सर से हमने, सब लोग से हमने यही कहा है कि सर प्लीज इसको साफ करवाइए, वरना यहाँ पर बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये बताओ क्या समस्याएं हो रही है खेल को लेकर? जैसे कोरोना काल जब था तो यहाँ पर सब्जी मंडी लगती हुई थी, उसके बाद जब कोरोना अभी है लेवल पे तो, लेकिन यहाँ पर हटाई नहीं जा रही, जिससे हम सबको प्रैक्टिस करने में बहुत असुविधा हो रही है, जिससे कि हमारे यहाँ पर जितने भी सारी सब्जियाँ हैं मतलब यहाँ कूड़ा कर देते हैं, जिससे हम सबको बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम सब लोग, हम हमारे कोच और जितने भी सीनियर हमारे और भैया लोग हैं, गए थे SDM सर के पास, लेकिन यहाँ पर कोई अपील हमारे से भी सुनवाई नहीं हुई, जिससे ये सब्जी मंडी जो है इससे हम सबको बहुत दिक्कत। और क्या क्या चाहते हैं आप लोग? हम सब यही चाहते हैं कि ये सब्जी मंडी यहाँ से हट जाए।
जी बरसात होने के कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हमारा ग्राउंड अगल बगल के गांव से बहुत नीचे स्तर पे है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में 5 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे पैक्स फेड द्वारा काम किया जा रहा है, उसमें मिट्टी भराई का भी काम है। मिट्टी भराई होते ही स्टेडियम हमारा साफ़ और स्वच्छ हो जाएगा, जिससे बच्चों को ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी। एक सब्जी मंडी की बात है, जिसके लिए मैं कल ADM वित्त एवं राजस्व से मिली थी। उन्होंने कहा है कि 2-4 दिन में हम सब्जी मंडी यहाँ से हटवा देंगे। बाकी DM साहब से भी बात हो चुकी है, उन्होंने भी ये कहा है कि बस 1-2 दिन में हम इसको निस्तारित कर देंगे। केंद्र और उत्तर प्रदेश की BJP सरकार एक ओर जहां देश की आज़ादी की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों और अमर सेनानियों को पूरा मान सम्मान देती नजर आती है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के कार्यालय में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की प्रतिमाओं का खुलेआम अपमान हो रहा है, जिसे लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। आपको ये जानकारी दे दें कि बलियाखेड़ी विकास खंड के मवीकला स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र में लोगों की भावनाएं उस समय आहत होती दिखाई दी जब ब्लॉक संसाधन के शौचालय के बाहर एक मेज पर शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें रखी मिली। वहीं मीडिया को देख सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्रजमोहन भी इस पूरे मामले में कन्नी काटते हुए दिखाई दिए। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बरीश कुमार ने बताया कि इस पूरे मामले में हमने जब जांच की तो खंड शिक्षा अधिकारी का ये कहना था कि सफाई कर्मचारी ने सफाई करते करते उन तस्वीरों को वहां रख दिया था, और जब उनकी तबीयत खराब हुई तो वो तस्वीरों को वहां से हटाना भूल गए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खंड शिक्षा अधिकारी ही जानते होंगे, लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि शौचालय के अंदर वीर सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें रखी हुई हैं। देखिए, इसकी जानकारी मुझे कल प्राप्त हुई थी, मीडिया के द्वारा मुझे वीडियो दिखाया गया था, तो जानकारी हमने प्राप्त की है। खंड शिक्षा अधिकारी का ये कहना था कि एक सफाई कर्मचारी है, सफाई करते करते उसने उनको वहाँ रख दिया था, उसकी तबीयत खराब हो गई, वो उनको वहाँ से हटाना भूल गई। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में जो सफाई कर्मचारी है वो संविदा के भी नहीं, जो टेम्परेरी एक सफाई कर्मचारी होते हैं उसके द्वारा कृत्य किया गया है, आवश्यकता होगी तो उसको हम वहाँ से उसको हटाने का काम करेंगे। हम मानते हैं कि ये शहीदों का अपमान है। हाँ, बिल्कुल अपमान है। शहीदों को तो हम एकदम से, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, दूसरों की गुलामी में पूरा देश पराधीन था, उन्होंने इतनी शहादत दे के हम तो पूरे देश को आज़ाद कराया, हम सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वहीं आगरा में तेज रफ्तार का कहर जारी है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रैक्टर को जब्त कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना ताजगंज क्षेत्र के शमशाबाद रोड लोधाई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। थाना अंतर्गत ताजगंज में श्यामू गांव के पास एक युवक जिसकी उम्र 20 साल है, उसका नाम अंजनी है, उसके पिता का नाम हेत सिंह है, कि ट्रैक्टर से लगने से एक्सीडेंट हो गया, मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई है। उसको अग्रिम कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रैक्टर चालक पकड़ा गया है और ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है। इन लोगों के विरुद्ध अभियान चला के इन पर कार्रवाई की जाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की जोर शोर से लगातार चुनावों की जो प्रक्रिया है वो देखने के लिए मिल रही है। हर मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जारी है। इसी क्रम में लखनऊ के गांधी भवन सभागार में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आम आदमी पार्टी से अलग हटकर शिक्षा के लिए आवाज उठाना था। इस दौरान आपके सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनती है तो प्रदेश के बजट का 25% शिक्षा के क्षेत्र में ही खर्च किया जाएगा और सरकारी स्कूलों को उच्च कोटि का बनाया जाएगा ताकि प्राइवेट संस्थान बच्चों का शोषण ना कर सके। उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षा को मजबूत करना सबसे बड़ी जरूरत है। बता दें कि सम्मेलन के दौरान आपके कई वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता का पैसा राजा का पैसा नहीं है, जनता का पैसा जनता के कर द्वारा इकट्ठा
इकट्ठा किया गया पैसा है खजाने में और वो जनता के लिए उपयोग में होना चाहिए। तो पूरी दुनिया में पहली आम आदमी की सरकार अगर किसी ने दी तो चाणक्य ने दी अपनी राजनीति के माध्यम से। उन्होंने निरंकुश सत्ता के खिलाफ संघर्ष करके अपने किसी परिवार अपने किसी जाति के व्यक्ति को हिंदुस्तान का सम्राट नहीं बनाया बल्कि एक संदेश दिया पूरी दुनिया को समाज को कि अत्याचार के खिलाफ लड़कर किसी सामान्य व्यक्ति को भी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। दुर्भाग्य से आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो प्रतिशोध की राजनीति पर चल रही है, वो जातीय बंटवारे और धार्मिक बंटवारे की राजनीति पर चल रही है। हरदोई पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। ये दोनों डकैती की घटनाओं को अंजाम देते थे। बता दें कि पकड़े गए दोनों आरोपियों पर पहले से ही लूट डकैती और गैंगस्टर जैसे कई मामले दर्ज हैं। इन दोनों लुटेरों की गिरफ्तारी एसपी अजय कुमार ने निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन सिकंजा अभियान के तहत हुई है। बता दें कि इन दोनों के पास से 8,500 रुपए नकद सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों लुटेरों को जेल भेज दिया है। लोनार कोतवाली पुलिस ने कोतवाली देहात क्षेत्र के उमपुरी गांव से बदमाशों को गिरफ्तार किया। हरदोई का एक पूरा मामला जहां पर पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कई आपराधिक मामले इन पर दर्ज थे और कई दिनों से ये फरार बताए जा रहे थे लेकिन आखिरकार पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। कासगंज के अंबापुर कोतवाली क्षेत्र के अलीपुर में स्थित आम के बाग में मजदूरी पर पेड़ काटने गए युवक की पेड़ के नीचे दबने से मौत हो गई है। मृतक युवक की पहचान वरसोड़ा निवासी 25 वर्षीय अजय वर्मा के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक अजय सुबह के समय अलीपुर गांव में स्थित आम के बाग में मजदूरी पर पेड़ काटने गया था। इसी दौरान पेड़ अचानक से टूट कर अजय के ऊपर गिर गया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंबापुर लाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पेड़ गिरने से युवक की मौत हो गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि मजदूरी करने युवक आम के बाग में गया था पेड़ काटने को लेकर। इसी समय वो पेड़ काट रहा था लेकिन उसे नहीं पता चला कि पेड़ उसके ऊपर गिर जाएगा। ऐसे में ये हादसा हुआ है और मजदूर के ऊपर पेड़ गिरा जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती सांसद हरीश त्रिवेदी ने सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर जिले में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगा। सांसद हरीश त्रिवेदी ने बताया कि इससे लोगों को जनपद स्तर पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही जनपद के बाहर से लोग भी अगर इस सांसद महाकुंभ खेल में सम्मिलित होना चाहें तो वो भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी देखी गई हैं। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती सांसद हरीश त्रिवेदी ने सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर जिले में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगा। सांसद हरीश त्रिवेदी ने बताया कि इससे लोगों को जनपद स्तर पर प्रतिभा भी दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही जो बाहरी लोग हैं वो भी अगर चाहें तो सांसद महाकुंभ खेल में सम्मिलित हो सकते हैं, उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती में 13 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है। उसकी तैयारी के दृष्टि से और उसकी जानकारी के दृष्टि से आज आप सबके बीच में मैं बैठा था। निश्चित रूप से इस खेल महाकुंभ के माध्यम से बस्ती के खिलाड़ियों को, बस्ती के नौजवानों को, हमारी बहनों को
आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, उनको एक अच्छा प्लेटफार्म देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और इस अपेक्षा के साथ कर रहे हैं कि बस्ती में जो खिलाड़ी इस खेल महाकुंभ से निकलेंगे उनको प्रदेश और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने का अवसर मिले, इस प्रकार का हम लोग प्रयास भी करेंगे, इस प्रकार का हमको अवसर दिलवाने के लिए। क्या रूपरेखा तैयार की गई है अभी शुरुआती तौर? मैंने कहा कि 13 को उद्घाटन होगा और 20 तारीख को पुरस्कार वितरण और समापन होगा। इस दौरान प्रतिदिन खेल आयोजित किए जाएंगे, पूरा टाइम टेबल इसका आगे हम लोग जब बैठेंगे तो जारी करेंगे। कौन लोग और कहाँ से आवेदन कर सकते हैं खिलाड़ी? आवेदन बस्ती के लोग भी कर सकते हैं और बस्ती के बाहर के लोग, ऑनलाइन इसका आवेदन होगा और ऑफलाइन आवेदन होगा। ऑफलाइन आवेदन 11 से 21 तक यहाँ पर ऑडिटोरियम अरे स्टेडियम में वहाँ पर एक ऑफिस बनाई जाएगी, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा और ऑनलाइन भी हम उसी तारीख से शुरू करेंगे, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। क्या राजनीतिक मंच भी इस पे सजेगा या फिर से खिलाड़ियों के लिए? खिलाड़ियों के लिए है और कोई राजनीतिक मंच इसमें राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। सांसद खेल महाकुंभ इसका नाम रखा गया है और एक सांसद केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता है, जनता के द्वारा चुना हुआ संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सांसद होता है। इस नाते हमने ये आयोजन किया है और इसमें सभी समाज के लोग और उस कार्यक्रम में मैं सभी दलों के लोगों को भी आमंत्रित करूंगा कार्यक्रम को देखने के लिए। आगरा के थाना बसई अरेला क्षेत्र के गांव स्याहीपुरा के पास आगरा इटावा रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से 5 गौवंशों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बसई अरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव स्याहीपुरा के पास से गुजरी आगरा इटावा रेलवे लाइन पर शनिवार की रात को ट्रेन की चपेट में आने से 5 बेजुबान गायों की कटकर मौत हो गई। वहीं जब रविवार सुबह ग्रामीणों ने रेलवे लाइन के पास गायों के शक्त शवों को देखा तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गायों के कटने की जानकारी ली और जेसीबी मशीन बुलाकर ग्रामीणों की मदद से सभी मृत गायों के शवों को गड्ढा खोदकर जमीन में दफन कर सभी का अंतिम संस्कार किया है। वहीं ग्रामीणों ने बेजुबान पशुओं की मौत को लेकर आक्रोश भी व्यक्त किया। ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे लाइन के पास तारबंदी बढ़ लगने से आए दिन ट्रेनों की चपेट में आने से पशुओं की मौत हो रही है। पहले भी दर्जन भर से ज्यादा गायों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने आक्रोशित होते हुए कहा है कि प्रशासन रेलवे विभाग ने आबादी वाले क्षेत्र में तारबंदी बाढ़ लगाने की मांग की है ताकि इन पशुओं को बचाया जा सके। यहाँ मेरे घर के पास में ही रेलवे लाइन पर गाड़ी आगरा की तरफ से आ रही थी, यहाँ पे आवारा जानवर गायें काफ़ी घूमती रहती हैं। यहाँ पे बहुत दर्दनाक हादसे में 5-6 गायों की मौत हुई है। इसकी सूचना आपने पुलिस प्रशासन को दी? अभी पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी है, वो जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहे हैं और इनको जेसीबी द्वारा गड़वाया जाएगा, दफनाया जाएगा। क्या मांग रखना चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से हम यही मांग रखना चाहते हैं, जहाँ पे भी आबादी क्षेत्र हैं या वैसे कहीं भी जैसे आवारा जानवर ज़्यादा हैं वहाँ पर तार बाउंड्री होनी चाहिए। बलरामपुर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अज्ञात बदमाशों ने एक महिला ग्राम प्रधान को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली महिला प्रधान के सर में लगी है। फिलहाल महिला ग्राम प्रधान की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने महिला को बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। मामले में प्रधान पति की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। थाना कोतवाली नगर के सीरिया नेवसा गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कल रात को कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सीरिया की एक महिला को गंभीर हालत में संयुक्त जिला अस्पताल लाया गया है। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल पहुंचकर महिला को बहराइच हायर सेंटर पर रेफर कराया गया, साथ ही मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई और गहन पूछताछ की जा रही है। बिजनौर में पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इन चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने एक खनहर से चोरी की गई 21 बाइकें भी बरामद की हैं। ये गैंग पिछले काफी समय से बिजनौर सहित अन्य जिलों से बाइक चोरी कर उन्हें औने पौने दामों पर बेचा करता था। मामले में पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चोरी का खुलासा किया है। SP ने बताया कि ये गैंग पिछले काफी समय से दुपहिया वाहन की चोरी किया करता था और इंजन नंबर चेसिस नंबर बदलकर फर्जी कागज तैयार कर बाइकों को सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को
₹15,000 इनाम देने की भी घोषणा की है। बिजनौर थाना कोतवाली के मंडावर रोड का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। आज तड़के कोतवाली पुलिस ने उमरपुर मीरा के जंगल में मंडावर रोड पर चार शातिर वाहनों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 21 दुपहिया मोटरसाइकिल अच्छी हालत में बरामद की गई हैं। इनके नाम है शिवा, अनिल, अशोक और राजू। इसमें से 3 कोतवाली सिटी बिजनौर से, 1 नगीना देहात का रहने वाला है। 3 गाड़ियां कनेक्ट हो चुकी हैं, शेष गाड़ियों की कनेक्ट किया जा रहा है कहां से चोरी गई थी। इनके द्वारा चुरा करके बेचने का काम, नंबर प्लेट बदलने का काम, इंजन नंबर, चेसिस नंबर बदलने और इनके फर्जी दस्तावेज तैयार करने का काम किया जाता है। इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा कि इनके द्वारा अन्य कितनी गाड़ियों को चोरी करके छुपाया गया है, इनके एसोसिएट मेंबर कौन से हैं, उस पर भी कार्रवाई बाकी है। इस गैंग को पंजीकृत किया जाएगा, हिस्ट्री शीट खोली जाएगी और इन पर सतत निगरानी की जाएगी। इनके पकड़े जाने से वाहन चोरी के अपराध में कमी आएगी। कासगंज की नगर पंचायत सिडपुरा के मोहल्ला सदामा नगर में खेलने गई एक 7 साल की बच्ची की शनिवार शाम बिजली के खंभे में आ रहे करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। आपको बता दें कि थाना सिडपुरा के मोहल्ला सदामा नगर में रहने वाले पंकज की 7 साल की बेटी वैष्णवी शनिवार की शाम करीब 6 बजे घर के सामने खेल रही थी। इसी दौरान पास में लगे बिजली के खंभे में करंट आ गया, जिसकी चपेट में आने से बच्चे की मौके पर ही जान चली गई। वहीं बच्चे की मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि बच्चे के पिता पंकज अहमदाबाद में रहकर मेहनत मजदूरी का काम करते थे और बच्ची घर पर रहती थी। मामले में चाचा मनोज ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में एसडीएम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर बताया कि बिजली विभाग की तरफ से नियमानुसार जो मदद दी जा सकती है वो दी जाएगी। सुदामा नगरी सुडपुरा में जो 7 वर्षीय छोटी बच्ची की अकस्मात बिजली के वायर में जो पकड़ने से खेल कूद रही थी बच्ची और उसकी अचानक उसमें करंट आने से मौत हो गई। और बिजली विभाग की तरफ से अगर ये पीएम कराना चाहेंगे तो जो नियमानुसार मदद होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। हाथरस के बहुचर्चित बिटिया कांड को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी राजनीति तय करने में जुटी हुई हैं। इसी के चलते राष्ट्रीय लोकदल का 5 सदस्यीय डेलीगेशन अपने समर्थकों के साथ पीड़िता के गाँव पहुँचा। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलकर पीड़ित परिवार का हालचाल जाना। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री ने आवास और नौकरी देने की घोषणा की थी, पर आज तक वो नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही सभी नेताओं ने सरकार से जल्द पीड़ित परिवार से किया हुआ वादा पूरा करने की मांग की है। मथुरा के थाना महावन इलाके में गोकुल यमुना किनारे स्थित बगीचे में एक व्यक्ति ने पेड़ से फांस लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक युवक की पहचान थाना मुरसान जिला हाथरस निवासी 32 वर्षीय कोमल सिंह के रूप में हुई है। बता दें कि मृतक की पहचान तलाशी लेने पर उसके पास मिले आधार कार्ड, पैन कार्ड से उसकी पहचान हुई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।